दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SD Sport 95 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वीवो प्रो कबड्डी सीजन 8 का एलिमिनेटर 1 पुणे रिपल्टन वर्सेस यूपी योद्धा इस मैच का प्रीव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन सी 6 टीमों ने क्वालिफाई किया है। तो आप देख सकते हैं पटना पायरेट्स, दबंग दिल्ली केसी, यूपी योद्धा, गुजरात जायंट्स, बेंगलुरु बुल्स और पुणे रिपल्टन, इन 6 टीमों ने क्वालिफाई किया है। तो चलिए अब हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस मैच प्रीव्यू की वीडियो में हम सबसे पहले दोनों टीमों की स्टार्टिंग 7 देखेंगे, बाद में हम दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस देखेंगे, फिर हम दोनों टीमों को एनालाइज करेंगे और आखिर में हम दोनों टीमों की प्रेडिक्शन करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोनों टीमों की स्टार्टिंग 7 देख लेते हैं। तो पहले हम यूपी योद्धा की स्टार्टिंग 7 देख लेते हैं। तो यूपी योद्धा की स्टार्टिंग 7 में हमें सुरेंद्र गिल, प्रदीप नरवाल, सुमित, गुरदीप, आशु सिंह, श्रीकांत जाधव और नीतीश कुमार ये खिलाड़ी खेलते दिख सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन के तौर पर शुभम कुमार और गौरव कुमार को मौका मिल सकता है। तो चलिए अब हम पुणे रिपल्टन की स्टार्टिंग 7 देख लेते हैं। पुणे रिपल्टन की स्टार्टिंग 7 में हमें असलम इनामदार, मोहित गोयत, नितिन तोमर, सोमवीर, विशाल भारद्वाज, संकेत सावंत और अभिनेश नादराजन जैसे खिलाड़ी खेलते दिख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन के तौर पर बाला साहेब जाधव और राहुल चौधरी को मौका मिल सकता है। तो हमने दोनों टीमों की स्टार्टिंग 7 तो देख ली, तो अब हम दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस देखते हैं। हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो दोनों टीमें आपस में 7 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें पुणे रिपल्टन ने 3 जीते तो यूपी योद्धा ने 4 मैच जीते। हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो यहाँ पर यूपी योद्धा आगे है। तो चलिए अब हम दोनों टीमों को एनालाइज करते हैं। तो दोनों टीमों के पिछले मुकाबले देखें तो पुणे रिपल्टन ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 7 पॉइंट से हराया है और यूपी योद्धा ने भी यू मुंबा को 7 ही पॉइंट से हराया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी दोनों टीमें सेम ही है। तो अब हम दोनों टीमों का पॉइंट टेबल में कैसा प्रदर्शन रहा है वो देखते हैं। पॉइंट टेबल में यूपी योद्धा के 68 पॉइंट्स है और पुणे रिपल्टन के 66 पॉइंट्स है। पुणे रिपल्टन 12 मैच जीती है तो यूपी योद्धा 10 मैच जीती है। यहाँ पर भी पॉइंट टेबल में कुछ खास अंतर नहीं है दोनों टीमों में। तो दोस्तों अब तक तो दोनों टीमें सेम ही चल रही है, कोई भी टीम ज़्यादा आगे नहीं है। तो अब हम आखिर में दोनों टीमों की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो देखा जाए तो यूपी योद्धा थोड़ी आगे है पुणे रिपल्टन से, लेकिन फिर भी दोनों टीमों में काफ़ी कांटे की टक्कर होने वाली है। पुणे रिपल्टन की बात करें तो वो पिछले 10 मुकाबले में से मात्र 2 मुकाबले हारे है और इसलिए पुणे रिपल्टन की टीम काफ़ी अच्छी फॉर्म में है और गलतियाँ कम कर रही है। यूपी योद्धा की बात करें तो रेडिंग तो काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन डिफेंस में गलतियाँ हो रही है। तो हमारे हिसाब से अगर पुणे रिपल्टन यूपी योद्धा के रेडर्स को नहीं चलने देती तो ये मैच ज़रूर जीत जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन ये मैच जीतेगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।